गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मेरा डे 2 द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में, और आज मैं क्या करने जाने वाला हूँ मैं आपको अभी पूरी डिटेल बताता हूँ। तो पहले मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने, उसके बाद मैं जाऊँगा द सिटी पैलेस में, और फिर आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये ब्लॉग भी बढ़ता रहेगा। तो ये पूरा ब्लॉग भी आपको एंड तक देखना है। ये टाइम है 10, तो बस मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी तो मैंने पहले ना अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूंगा। तो ये अभी मेरे साइड में है पिचोला लेक, पीछे पिचोला लेक है। तो अभी मैं यहाँ पे बोटिंग करने आया हूँ। ये मेरा पहला स्टॉप है आज का, और इसका 300 रुपये का एक बंदे का टिकट है। आप 2 जने हो या 3 जने हो ये वेट नहीं कराएंगे, आपको सीधा जाने के लिए बोल देंगे। और बस अभी हम शायद लाइफ जैकेट पहनेंगे, उसके बाद चलते हैं बोटिंग में। हाफ एन आवर ये पूरा हमें लेक में घुमाते हैं। तो बस चलो चलते हैं। तो अभी मैं बोट में बैठ चुका हूँ, अभी मेरी लाइफ जैकेट आएगी, और ये है ना ये छत बन जाती है पूरी। तो ये है मेरी लाइफ जैकेट, अभी हम लाइफ जैकेट पहनेंगे और फिर बोटिंग स्टार्ट कर देंगे। कूल। तो अभी तो मैं बोटिंग करके वापस आ चुका हूँ। अगर उदयपुर है बोटिंग ना की तो क्या खाक उदयपुर है। अभी तो मैं घूम रहा हूँ उदयपुर की गलियों में, और उदयपुर की गलियों में ब्लॉग करना एकदम अलग ही फीलिंग है। तो ये है मेरे पीछे पूरा सिटी पैलेस। गॉड क्या व्यू है यहाँ से यार। आप देखो पीछे पूरा उदयपुर सिटी है, ये पूरी सिटी है उदयपुर सिटी। तो ये जो सिटी पैलेस है ये उदयपुर के राजा उदय सिंह ने बनाया था। ये पूरा पैलेस उन्हीं का है। तो देखो यार कितना ह्यूज है। तो मेरे पीछे जो पिंजरा है ये शेर पकड़ने का पिंजरा है। यहाँ पे शेर को कैद किया जाता था। ये टाइमलाइन में जो महाराजा थे मेवाड़ के, तो पॉज करके आप देखते रहना, इन्होंने ये वाला पैलेस बनवाया था उदय सिंह ने। तो 1982 में मूवी आई थी गांधी, उस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। तो जो एक्टर जो गांधी जी बने थे उनका ये चश्मा है। और सबसे ऊपर देखो ये खास चीज राणा प्रताप का भाला, बिल्कुल पीछे देखो क्या बोलते हैं आप इसको, अगर आप बोलते हैं हम कहते हैं इसको चमत्कार, क्योंकि अकबर के साथ भारत के 600 राजा महाराजा थे, सब मिलके भी नहीं जीत सके राणा प्रताप को। इतना पतला रास्ता है। ये पतला रास्ता पता है क्यों है? क्योंकि जो एनिमीज थे उस टाइम के कि वो इस महल में एंटर ना कर पाए। कई बार मुझे लगता है ना मुझे टूरिस्ट गाइड बन जाना चाहिए। जो पीछे मेरे जगह है, यहाँ से महाराज जो होते थे, जो यहाँ के वॉरियर्स होते थे, वो यहाँ से चेक करते थे कि उनके जो एनिमी हैं कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनका रास्ता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये विंडो है एंड यहाँ से वॉरियर्स देखते थे कि कहाँ उनके एनिमी हैं। अब वहाँ पे अब तो शहर बस चुका है, पर पहले सारा जंगल होता था और ये पूरे किले की बाउंड्री थी। तो मैं पूरा सिटी पैलेस अभी घूम चुका हूँ और ये भी यार एक मस्ट विजिट जगह है। इसको अगर आप घूमने आओ ना तो प्लीज़ 3-4 घंटे निकाल के आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे देखने की और समझने की कि उस टाइम पे क्या होता था। तो अब मैं जा रहा हूँ केबल कार करने और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं की। तो चलो चलते हैं। तो मैंने अभी केबल कार का टिकट ले लिया है एंड अगर आपको सिंगल बंदे को जाना है फिर शेयरिंग तो है 118 का। अगर आप पूरा पर्सनल केबिन लोगे तो है 424 का। तो मैंने तो पूरा पर्सनल केबल। तो जो ये केबल कार है, ये केबल कार जाती है करणी माता के मंदिर में। तो ये है मेरी पर्सनल कार, इसको केबिन कहते हैं ये लोग, जिसमें आप 2 लोग शेयर कर सकते हो या फिर एक ही बंदा आ सकता है। अभी जब आप केबल कार से उतरते हो तो थोड़ी सी और चढ़ाई है, थोड़ा सा आपको और चढ़ना पड़ता है ऊपर करणी माता के मंदिर में जाने के लिए। देखिए रास्ता देखो आप नीचे कहाँ एकदम जंगलों में जा रहा है और ये रास्ता ऊपर जा रहा है मंदिर की तरफ। तो अभी तो मेरे को मंदिर ही जा रहा है, तो मंदिर की तरफ ही बढ़ते हैं। क्या व्यू है यार यहाँ से करणी माता के मंदिर से। तो जब हंगर सता है तो ग्रैब है स्निकर्स। तो अभी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और मैं थक भी चुका हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपने होटल वापस जाता हूँ, 1-2 घंटा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद शाम को निकलता हूँ। तो चलो अब मैं सीधा मिलता हूँ आपसे बाद में। तब तक आप भी स्निकर्स खा लेना। तो ये है मेरे पीछे फतेह सागर झील, फतेह सागर लेक, और इस पूरी सड़क से आप वॉक करके यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पर होती है बोटिंग और यहाँ पे ना ये सारी मोटर बोट्स हैं और यहाँ पे मोटर स्कूटर भी होता है। ये जो मेरी बोट है ये है लग्जरी बोट। तो इसमें होता क्या है कि कम से कम 8 लोग होते हैं और मैक्सिमम ये 15-20 लोग तक का वेट कराते हैं, उसके बाद ये बोट चलती है। तो थोड़ा टाइम वेस्ट वाली फीलिंग लग रही है मेरे को यहाँ पर कोई नहीं। तो अभी तो मैं बोटिंग करके आ चुका हूँ फतेह सागर से और अब मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ फतेह सागर लेक के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पिचौला लेक के बारे में दी थी। तो फतेह सागर लेक जो है ये बनाई थी राजा फतेह सिंह ने 1630 में और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 2.6 किलोमीटर और जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 1.6 किलोमीटर एंड इसकी जो डेप्थ है वो है अराउंड 50 फीट्स, मतलब कि 14 to 15 मीटर। और ये पिचोला लेक से छोटी है पर उससे गहरी है, उससे काफ़ी ज़्यादा गहरी है। अब मैं जा रहा हूँ महाराणा प्रताप स्मारक में। यहाँ पे होता है साउंड एंड लाइट शो अगर आपने ये जवानी या दीवानी देखी है तो ये वही शो है जो बनी देखना चाहता था पर वो स्कॉलर रहने की वजह से देख नहीं पाता क्योंकि उसको तो सनसेट देखना था। चलो जल्दी, नहीं तो लाइट और साउंड शो मिस हो जाएगा। तुम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं। बनी ने तो वो शो स्कॉलर रहने के चक्कर में छोड़ दिया था पर मैं वो शो नहीं छोड़ूंगा। की समझ नहीं थी, नतीजे के तौर पर सरदारों में असंतोष सुलगने लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।